even get some calls. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवी अपडेट्स। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के नए शो के बारे में, जिसका नाम है सीज़न 2 ऑफ साथ निभाना साथिया। मैंने आपको पहले ही बताया था इसके बारे में, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स वगैरह दे दी थी हालांकि मैंने आपको, बट मैंने आपको कहा था कि जो देवोलीना वगैरह हैं और रूपल पटेल हैं वो इस शो में होंगी, बट वो कुछ इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स के लिए होंगी और उनका मेन लीड में वो नहीं होंगी। बट अब मेरे को मेन लीड्स के बारे में पता लग गया है, तो गाइस मेन लीड में पहले मेल लीड की बात कर लेते हैं। हर्ष नागर रोल प्ले करने वाले हैं मेन मेल लीड का इस शो में, साथ निभाना साथिया के सीज़न 2 में कन्फर्म हो चुका है वही रोल प्ले करने वाले हैं। वो कुछ पंजाबी मूवीज़ में आ चुके हैं और कई ज़्यादा टीवी शोज़, इंडियन टीवी शोज़ में भी आ चुके हैं, हिंदी टीवी शोज़ में। अब फीमेल लीड की बात करें तो गाइस स्नेहा जैन नाम की एक्ट्रेस हैं जो कि मेन फीमेल रोल प्ले करने वाली हैं साथ निभाना साथिया सीज़न 2 में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस करेक्टर का नाम गहना होगा इस शो की जो मेन फीमेल लीड होंगी, तो गाइस वैसा ही है सब। स्नेहा जैन नाम की एक्ट्रेस हैं जो कि गहना का रोल प्ले कर लेंगी साथ निभाना साथिया के सीज़न 2 में। रश्मि शर्मा जो कि शो की प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इनके ऑडिशन वगैरह लेने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, सारा कुछ ऑनलाइन ही हुआ ऑडिशंस वगैरह, तो ऑनलाइन ही फिर भी इन्होंने चुन लिया अच्छी तरह से। वो कहते हैं कि यही दोनों परफेक्ट हैं ये रोल्स के लिए और इनको चुन लिया गया है। और गाइस जो मेन लीड हैं वो रोल प्ले करने वाले हैं अनंत नाम के एक्टर का, और जो फीमेल लीड हैं वो रोल प्ले करने वाली हैं गहना का। और गाइस रश्मि शर्मा ने ये भी कहा है कि ये शो में बाकी की कास्ट यानी कि जो सीज़न 1 में मेन करेक्टर्स थे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे जैसे कि मोहम्मद नजीम वगैरह, वो होंगे या नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा ये पक्का होंगे जैसे कि देवोलीना और मोहम्मद नजीम। अब उनकी बातों से ये लग रहा है कि ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड्स के लिए नहीं बल्कि बाकी और एपिसोड्स के लिए भी शो में होंगे की कास्ट जो सीज़न 1 की थी। जो मोदी फैमिली है वो इस शो की पार्ट रहेगी सीज़न 2 में भी, और ये एक रीबूट नहीं है, आई मीन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एक्टर्स वगैरह सब बदल दिए, बस ये मेन लीड्स अलग होंगे, उन पे बेस्ड होगी कहानी ज़्यादातर। बट मोदी फैमिली जो कि सीज़न 1 में दिखाई दी थी वो स्टिल सीज़न 2 में होने वाली है, यानी कि और ऑल्सो रूपल पटेल जो कि पहले जिन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं हूँ इस सीज़न 2 में, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो भी होंगी सीज़न 2 में, अब उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि यस मुझे भी अप्रोच किया गया है और मैं भी सीज़न 2 में होंगी। रूपल पटेल यानी कि जो कोकिला बहन का रोल प्ले करती थी पहले सीज़न 1 में, सीज़न 2 में वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे मोदी फैमिली के जो फैंस हैं सीज़न 1 से वो आपको इस शो में। तो गाइस अभी बात करें स्टार्ट डेट, लॉन्च डेट, टाइमिंग्स वगैरह की, तो गाइस इसका भी नहीं पता है अभी के लिए, बट अभी के लिए ये शो का सीज़न 2 ग्रीनलिट कैसे हुआ, तो गाइस रश्मि शर्मा ने कहा कि वो काफ़ी ज़्यादा देर से इस शो का सीज़न 2 लाने के लिए प्लान कर रहे थे सीज़न 2 के लिए, बट अभी जब इसके रीरन्स वगैरह हुए लॉकडाउन में उनकी TRP काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई, और फिर वो रसोड़ी में कौन था जो रैप मीम सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, इस करके उनको बूस्ट मिला है कि यही सही टाइम है सीज़न 2 निकालने का, इस पॉपुलर जितना पॉपुलर अभी हुआ हुआ है ट्रेंड उस पर कैश इन करने का यही सही मौका है। तो उन्होंने सीज़न 2 का जल्द से जल्द कास्टिंग वगैरह पूरी करके और प्रोमो वगैरह दिखा दिए, तो ये मेन रीजंस थे कुछ। उनका पहले से सीज़न 2 लाने का पहले से ही प्लान था गाइस। टाइमिंग्स और लॉन्च डेट बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं मेरे से, एज अभी के लिए मुझे नहीं पता लॉन्च डेट टाइमिंग वगैरह, बट जैसे ही मुझे पता लगेगी मैं सबसे पहले वीडियो डाल दूंगा जब भी मुझे पता लगेगी। ऑल्सो गाइस आजकल वीडियो अगले एक हफ्ते तक मैं कह रहा हूँ वीडियो में थोड़ी आपको क्वालिटी आवाज़ वगैरह भी बेकार लग रही होगी और मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है प्रॉपर कुछ दिनों के लिए, तो आप थोड़ी लो क्वालिटी वाले वीडियोस एक्सपेक्ट करिए, बट एक हफ्ते के बाद मैं प्रॉपर फिर से बैक ऑन ट्रैक आ जाऊँगा। तो गाइस इसी शो पे जैसे कि टाइम स्लॉट, लॉन्च डेट वगैरह और डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं इस शो के बारे में, शेयर कीजिए साथ निभाना साथिया के फैंस के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के नए वीडियो में। सॉरी फॉर लेट अपलोड्स गाइस, एक हफ्ते तक ऐसे ही रहेगा, और आज के लिए चलता हूँ, गुड बाय।